स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हर जन जन की यही आवाज़ है कि अब की बार 400 पार। और अब की सरकार में 10 साल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में मगनमुग्ध होया हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने धारा 370 हटाई और कैसे अयोध्या में राम मंदिर बना। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। पहले से महंगाई कम है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पता क्या है, जैसे महंगाई है वैसे हमारे खर्चे हैं तो वैसे आमदनी हमारे पास जुट हो गई। आपको 400 पार का नारा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मोदी जी की गारंटी हमेशा सत्य रहती है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नमस्कार, मैं कशिश, स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो चुनावों की चर्चा लगातार जारी है, क्योंकि चुनावों में ज्यादा समय नहीं रह गया। और वहीं पर अब भाजपा के जो नेता है जिनका नाम राजू सचदेवा जी है, तो उनसे यहाँ पर बात करेंगे। निगम पार्षद भी है पूर्वी दिल्ली से। तो सर, क्या लगता है कि अब की बार जो लगातार नारा लग रहा है 400 पार का, उसको देखकर क्या भाजपा सोच रही है? जी पक्का, अब की बार 400 पार का जो नारा है आपको आने वाले चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हर जन जन की यही आवाज़ है कि अब की बार 400 पार। इतना ज्यादा विश्वास कैसे है कि जनता 400 पार करा ही देगी इस बार? देखिए, आप देख रहे हैं कि पहले की जो सरकारें थी और अब की सरकार में 10 साल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के लिए, एक सराहनीय कार्य है। पूरा देश उनकी इस कार्यों में मगनमुग्ध होया हुआ है। आप देख रहे हैं कैसे उन्होंने धारा 370 हटाई और कैसे अयोध्या में राम मंदिर बना। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। बड़े स्तर के काम है, लेकिन अगर निचले स्तर की बात की जाए, रोजगार नहीं दिया, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसका क्या? देखिए, आप पहले वाले आंकड़े उठा लीजिए और अब के आंकड़े उठा लीजिए। पहले से महंगाई कम है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पता क्या, जैसे महंगाई है वैसे हमारे खर्चे हैं तो वैसे आमदनी हमारे पास, आप पूरा देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा इलाका देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहे हैं, सभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देख के सभी एकजुट हो गए। आपको 400 पार का नारा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 2014 में सरकार आ रही थी, तब कहा गया था कि राम मंदिर बनाया जाएगा, तमाम वादे तब किए गए थे और पूरे भी हुए हैं उसमें से। लेकिन 19 में जब हुआ तो पुलवामा अटैक हम सब लोगों ने देखा, लेकिन 2024 में क्या है मुद्दा भाजपा का? देखिए, आपने अभी मुझसे बोला कि राम मंदिर का जो भाजपा जो मोदी जी की गारंटी हमेशा सत्य रहती है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और आगे भी जो मोदी जी कह रहे हैं वो सत्य करके दिखाएंगे। रहा सवाल उसका कि बेरोजगारी, देखो ये आज तक उससे पहले आपने जो सरकारें देखी हैं, आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको कि जो मोदी जी कहेंगे सत्य रूप से आप सब देख रहे हैं, आगे भी ऐसे देखते रहेंगे और 400 पार हमेशा होकर रहेगी आपके बाद। बिल्कुल, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं गुलाब ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, और गुलाब ठाकुर जी एक संस्था अच्छे इंसान हैं और एक सामाजिक हैं। ऐसे समय समय पर दिवाली मिलन मंगल हो या होली का प्रोग्राम हो, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। मेरी शुभकामनाएं पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को है कि आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलाब ठाकुर पर भरपूर ऐसे सेवा बनाए रखे, काके भाई हैं सामने कन्नू बंसल बैठे हुए हैं, तो अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। मेरी यही भगवान से गुहार है कि इन पर अपना वरदस्त बनाए रखें, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य कराते रहें। पूरा क्षेत्र इनके साथ, इनके कार्यों को सराहनीय करता है और मैं अभी हमेशा उनके साथ हूँ 24/7। आपका बेटा, आपका भाई राजू सचदेवा, राजू साईं हमेशा साथ रहता है, साथ रहेगा। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर कि क्या कुछ नेता कहते हुए नजर आए हैं भाजपा को लेकर। गुलाब जी से भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर, ये प्रोग्राम रखा गया है, आपका ये मोटिव है कि सब लोग साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर्कलह तो लगातार चल ही रही है। देखिए, मैं ये प्रोग्राम को ये पार्टी के लिए नहीं करा, ये अपना इंडिविजुअल प्रोग्राम मेरा, और मैं ऐसे प्रोग्राम हर होली पे, दिवाली पे करता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवी भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ सब लोग मिलजुल के रहें। ये होली जो है रंगों का त्यौहार है, इस बार मैंने जो पहल की है कि मैं रंगों की जगह फूलों से होली खिलाऊँ, तो मैंने फूलों की होली कराई है, क्योंकि कलर जो है आपको नुकसान भी देते हैं। तो मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूँ कि सभी फूलों से होली खेलें, ना ही इस होली के प्रोग्राम में कोई रिंग करके या कोई कलर या कुछ ऐसा कुछ ना करें, सब प्यार से त्यौहार मनाएं। सभी को संदेश देना चाहूँगा कि सभी होली खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनाएं। और राजू भाई, हमारे बग्गा जी, काफ़ी सारे लोग हमारे प्रोग्राम में आए थे जो मेरा प्रोग्राम था, मैं सभी से कहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के चलें। और देखो, चुनाव वो अलग मुद्दा है, ये चुनाव मुद्दे पर नहीं कोई प्रोग्राम किया है, मैंने तो सब भाइयों को बुलाया अपने दर, और सारे भाई आए, सम्मान दिया, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। बिल्कुल, आपने सुना है यहाँ पर तमाम जानकारियाँ हमने आप लोगों तक पहुँचाई है, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है यहाँ पर और क्या सोचते हैं आने वाले समय को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए लीडिंग भारत।